रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीहू एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। उसका पति प्रीत उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर कुछ समय बाद पीहू का वजन अचानक से बढ़ने लगा था और उसके चेहरे पर बहुत सारे एक्ने और दाने होने लगे थे। साथ ही उसके पीरियड्स भी टाइम पर नहीं आते थे, और अगर आते तो काफी दिनों तक ठीक ही नहीं होते थे। वो इन सब चीजों से बेहद परेशान हो चुकी थी, पर प्रीत को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी शाम को चाय पी रहे होते हैं कि तभी प्रीत बोलता है, तुम ठीक नहीं लग रही हो, और तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब से निशान कैसे हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? पीहू प्रीत को कुछ भी बता पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। ऐसे में प्रीत बहुत घबरा गया था। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर उसे ट्रीट करने के बाद प्रीत को बताते हैं, देखिए आपकी वाइफ को PCOS की प्रॉब्लम हो गई है। क्या, ये क्या होता है डॉक्टर जी? PCOS और PCOD ये दोनों ही बीमारियां महिलाओं को सही समय पर पीरियड्स ना होने की वजह से होती है, या फिर ये बीमारी उनको तब होती है जब पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हों या जरूरत से ज्यादा आ रहे हों। ऐसे लापरवाही करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, हमें जल्द ही इनका इलाज शुरू करना होगा। जी डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएंगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? जी आप घबराइए मत, इस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे, जैसे कि तेजी से वजन बढ़ना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सूजन आना, और सबसे ज्यादा जो बदलाव होगा वो है मर्दों की तरह शरीर पर बाल आना। ऐसे में आपको उनका खास ख्याल रखना है। जी डॉक्टर, जैसा आप कहें मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। प्रीत पीहू के पास जाकर उससे पूछता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। मुझे क्या हुआ है, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम? नहीं नहीं, मुझे सच बताइए, क्या कहा है उन्होंने? पीहू, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें PCOS है, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, पर तुम चिंता मत करो, हम इसका इलाज जरूर करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। जैसे कि डॉक्टर ने प्रीत को बताया था, पीहू के चेहरे पर छोटे छोटे बाल उगना शुरू हो चुके थे। पीहू उन्हें देखकर काफी निराश और परेशान रहने लगी थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए प्रीत एक दिन उससे मजाक करते हुए कहता है, वाओ, अब हम दोनों एक जैसे हो गए, मुझे हंसी नहीं आ रही। अरे यार, इसमें इतना चिढ़ने की कौन सी बात है? आपको ये छोटी सी बात लगती है? मुझसे पूछ कर देखिए मेरे दिल पर क्या बीत रही है। अब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो सब मुझे देखकर मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा नहीं है, तुम बस खुद ही ये सब सोच रही हो। पीहू वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। प्रीत उसे देखकर बहुत परेशान होता है। वो उसके पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना पीहू, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ। अगर आप मुझे समझते तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते। पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ, पर आपको मेरी सारी बातें माननी होंगी। जरूर मानूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पीहू के चेहरे पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। पीहू अपने आप को जब आईने में देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रही, लोग क्या कहेंगे मुझे देखकर। प्रीत पीहू की चीख सुन लेता है और भागकर उसके पास आता है। जब वो पीहू को देखता है तो पीहू अपना मुंह छुपाए वहाँ से चली जाती है और फिर प्रीत सोचता है, ऐसा क्या हो गया जो पीहू इस तरह से अपना मुंह छुपाकर चली गई मुझसे दूर, और कुछ देर पहले चिल्लाई भी तो थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। प्रीत पीहू के पास उससे बात करने के लिए कमरे में जाता है। पीहू अपना मुंह छुपाए बस लेटी ही रहती है। ऐसे में प्रीत उससे पूछता है, पीहू क्या बात है, तुम चिल्लाई क्यों थी और मुझे देखकर भाग क्यों आई? वो मैं बाथरूम में फिसल गई थी इसीलिए चिल्लाई, बस मुझे आराम करने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। क्या, तुम गिर गई थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि इतने जोर से गिरी थी ना, आप जाइए। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैं कहा
क्या झूठ बोल रही हूँ आपसे। प्रीत उसकी चादर को खींच लेता है और पीहू का चेहरा उसके सामने आ जाता है। पीहू जल्दी से अपने आप को छुपाती है और गुस्से में प्रीत से कहती है, ये आपने क्या किया? आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? पीहू गुस्से में प्रीत को बहुत सुनाती है, लेकिन प्रीत उसे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप देखता ही रहता है। और देखते ही देखते उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पीहू उसको इस तरह रोता हुआ देखकर उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऊपर चिल्लाई, प्लीज आप शांत हो जाइए। तुम मुझ पर चिल्लाई, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पहले से ही कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और अब ये सब भी। मैंने आपको कितना गलत समझा, आप तो मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती, लोग मुझे ऐसे देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। मतलब? प्रीत पीहू के लिए अपने चेहरे पर मेकअप लगा लेता है और अपने होठों पर लिपस्टिक। उसको इस तरह से ये सब करता हुआ देखकर प्रीत बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ पीहू, ताकि जब हम बाहर जाएं तो लोग सिर्फ तुम पर नहीं मुझ पर भी हंसे। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ प्रीत, जो मुझे आप जैसे पति मिले। किस्मत वाला तो मैं हूँ कि तुम मुझे मिली। इतनी बड़ी दुनिया में और भी लड़के थे, पर तुमने मुझे चुना। थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब चलें क्या? जी चलते हैं। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग कुछ दूर पहुँचे ही थे कि तभी उन्हें आसपास के लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं और उन पर हंसते भी हैं। उनमें से एक आदमी आकर उनसे कहता है, अरे भाई साहब, ये सब क्या है? आपने और आपकी बीवी ने ये क्या हाल बनाया हुआ है? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चक्कर में पड़ गया था कि आप में से ये आदमी कौन है, अरे औरत कौन है। देखिए भाई साहब, ये हमारा जाति मामला है, इसमें आप कुछ भी ना बोलें तो बेहतर होगा। फिर भी ये सब क्यों किया आप लोगों ने? क्योंकि हमारी फैमिली में एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें हमें अपने अपने करेक्टर्स बदलने थे, बस इसलिए हमने ये सब किया। अच्छा तो ये बात है, वैसे काफी अच्छा मेकअप किया है आप लोगों ने, खास तौर पर आपकी वाइफ ने। इन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके चेहरे पर नकली बाल हैं, बिल्कुल असली लग रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, अब हम जाएं। चलो पीहू। प्रीत पीहू को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पीहू प्रीत से बोलती है, अब मुझे समझ आ गया है आपने ये सब क्यों किया, आप तो बहुत स्मार्ट है। हाँ वो तो मैं हूँ, हमें और जल्दी चलना चाहिए, हम वैसे भी काफी लेट हो गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। हाँ सही कहा आपने। कुछ देर के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। डॉक्टर पीहू को ऐसे देखकर बहुत चौंक जाते हैं और प्रीत से कहते हैं, इनकी हालत तो काफी खराब हो गई है। जी बहुत ज्यादा, इसलिए तो आपके पास लेकर आया हूँ। डॉक्टर उन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और फिर पीहू का चेकअप करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पीहू की हालत अब थोड़ा सा सुधर गई है और वो प्रीत से कहते हैं, देखिए ये अब पहले से ठीक है, लगता है आपने इनका काफी ख्याल रखा है। जी रखा तो है, पर फिर भी इनके चेहरे पर ये सब क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, ये सब नॉर्मल होता है, बाकी आप चिंता मत कीजिए, इनकी मेडिकेशन जारी रखिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे इनको काफी आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहें। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पीहू की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है और कुछ ही समय के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और पूरे 9 महीने बीत जाने पर पीहू को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतनी ज्यादा कठिनाइयाँ होती हो और उन्हें भी पीहू की तरह PCOS और PCOD की कोई बीमारी हुई हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अमन कई महीनों के बाद अपने काम से वापस अपने घर लौटा था, लेकिन इस बार उसको छुट्टियाँ कुछ ज्यादा नहीं मिल पाई थी, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही घर पर आया था। अमन के आने पर उसकी माँ सरला खुशी से अपनी बहू शालिनी को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ शालिनी बहू, जल्दी से पानी लेकर आ जा, मेरा बेटा कितने महीनों बाद आया है इस बार। आई माँ जी। अमन का काम दूसरे शहर में था जिसकी वजह से उसको महीनों तक घर से दूर ही रहना पड़ता था, लेकिन इस बार
कुछ ज्यादा ही समय के बाद घर आने के लिए उसकी माँ उससे कहती है, अरे अमन बेटा, इस बार बड़ा ही टाइम लगा दिया तूने आने में। अरे मेरा ना सही, कम से कम अपनी बीवी का तो सोच लिया कर। क्या माँ, आप भी ना, उम्र ही बढ़ रही है आपकी, लेकिन बातें बच्चों जैसी है। अरे बच्चे खिलाने की उम्र हो चुकी है मेरी, सारा दिन बहू का ही चेहरा देखती रहती हूँ। दोनों पति पत्नी सरला की बात सुनकर शर्माते हुए एक साथ बोलते हैं, क्या माँ, आप भी ना। इसके बाद शालिनी रात के खाने की तैयारियाँ करने लगती है, तभी उसको पेट में दर्द होने का एहसास होता है। अमन के आने की खुशी के चलते वो अपने पीरियड्स की डेट को भूल जाती है। दर्द के एहसास के साथ उसे ये सब याद आता है और ऐसे में वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं कैसे भूल गई, काश ये दर्द पीरियड्स का ना हो, अमन जी इतने टाइम बाद आए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। शालिनी चेक करने के लिए वॉशरूम जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका शक बिल्कुल ठीक है और उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि अमन जी को वो इस सब के बारे में अगर बताएगी तो कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए। तभी सरला शालिनी को आवाज लगाती है और कहती है, अरे बहू क्या कर रही है तू, खाना नहीं बनाया क्या अभी तक? हाँ माँ जी, बन गया, बस ला रही हूँ। खाना खाने के बाद सरला और अमन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जाते जाते अमन शालिनी से कहता है, शालिनी जल्दी काम खत्म करके आओ। शालिनी को बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो बिना किसी को बताए अपना सारा काम पूरा करती है और फिर थोड़ी परेशान होकर अपने कमरे में जाती है, जहां अमन उसका इंतजार कर रहा होता है। ऐसे में शालिनी को देखकर अमन कहता है, तो मिल गई फुर्सत मोहतरमा आपको, वैसे माँ आज कुछ कह रही थी, याद है ना? क्या कह रही थी अमन जी? कि बच्चों को खिलाने की उम्र हो गई है माँ की। अच्छा जी। तो मैं सोच रहा था क्यों ना माँ की इच्छा ही पूरी कर दी जाए। चाहती तो मैं भी ऐसा हूँ, पर शालिनी का दर्द अब उसके चेहरे पर भी नजर आने लगता है, जिसे देखकर अमन बोलता है, शालिनी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। अमन जी वो मुझे। अरे बताओ भी बेबी, फिर हमें माँ की इच्छा भी तो पूरी करनी है। जी वो मुझे आज सुबह ही पीरियड्स हो गए। शालिनी के पीरियड स्टार्ट होने की वजह से अमन को गुस्सा आ जाता है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है। ऐसे में वो गुस्से में बेड से उठता है और सर पकड़ते हुए गुस्से में शालिनी से कहता है, क्या यार शालिनी, तुमको भी अभी करना था ये सब, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अभी करने से आपका क्या मतलब है, इस पर मेरा कोई जोर नहीं है, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। अब मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। अमन का ऐसा बर्ताव देखकर शालिनी बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ पीरियड्स के दर्द से उसका पूरा शरीर तड़प रहा होता है, जिसके कारण वो अगले दिन उठने में थोड़ा सा लेट हो जाती है, और दूसरी तरफ सुबह सुबह अपने बेटे को सोफे पर बाहर सोते हुए देखकर सरला अमन को उठाते हुए उससे कहती है, अमन बेटा, अमन उठ, यहाँ क्यों सोया है तू? तुम्हारी बहू की मेहरबानी है। अमन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सरला भी उनका छोटा मोटा झगड़ा समझकर ध्यान नहीं देती। तो वही शालिनी एक तो लेट उठती है और दूसरा उसका पीरियड्स का दर्द उसकी जान ले रहा होता है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए चाय बनाती है और बाहर खाने के टेबल पर बैठी सरला शालिनी से बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, चाय नहीं मिलेगी क्या आज? सोई तो तू अकेली थी, फिर भी तेरी आँख नहीं खुली जल्दी। शालिनी चाय लाकर सरला को देती है। चाय की चुस्की लेकर सरला शालिनी से बोलती है, अरे बहू क्यों लड़ते हो तुम दोनों इतना? अरे बच्चे पैदा करने की उम्र है तुम दोनों की और तुम दोनों खुद ही लड़ते हो बच्चों की तरह। सरला और शालिनी बातें कर ही रही होती है कि तभी अमन कमरे में से तैयार होकर आता है और कहता है, माँ मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और शाम को आऊँगा। अमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। सरला अमन के जाने के बाद शालिनी से बोलती है, बहू तुम दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया है? अमन इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है, सुबह भी बिना कुछ बोले चला गया और अब फिर। वो माँ जी मैं कैसे बताऊँ आपको? बेटा तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, किसी भी परेशानी में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए बल्कि मुझे आसानी से बता देना चाहिए। चलो अब बताओ क्या बात है। सरला की बातें सुनकर
शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी बातें अपनी सास को बता देती है। दर्द के कारण शालिनी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जिसे देखकर सरला शालिनी को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद वो घर का सारा काम करती है। साथ ही अपनी बहू को खाना भी खिलाती है और उसे गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीने के लिए देती रहती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शालिनी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तो वहीं सरला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ अमन आ जाता है और शालिनी को आराम करता हुआ देखकर वो बोलता है, अरे कुछ काम ही कर लिया करो, आराम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कोई पहाड़ टूट गया हो। अमन को शालिनी से ऐसे बातें करता हुआ देखकर सरला उससे बोलती है, अमन तो कैसे बातें कर रहा है बहू से, मैंने उसको आराम करने के लिए कहा है। अरे दर्द से बहू की हालत खराब है, तुझे सब कुछ पता है फिर भी तू उसे सब कुछ सुनाई जा रहा है। अरे माँ ये तो हर महीने होता है, अब तक तो इसको आदत हो जानी चाहिए इस दर्द की, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रही। अरे क्या फायदा तुझे इतना पढ़ाने लिखाने का, जब तेरी यही सोच है तुझे अपनी बीवी का दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन तू ये जानता है कि ऐसे टाइम पे औरत को कितना दर्द होता है। तेरी माँ ने भी ये दर्द सहा है, मासिक धर्म में पूरा शरीर टूट जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात पर गुस्सा आता है, ये सब कुछ सहना पड़ता है एक औरत को। माँ और तो और शादी के बाद मासिक धर्म होने पर बिना किसी को पता लगे घर का पूरा काम करना, दर्द सहते सहते सबकी सेवा करना ससुराल में, अरे तेरे में इतनी हिम्मत है? अरे नहीं ना, जरा सा दर्द होने पर ऑफिस की छुट्टी लेके पूरा दिन आराम करते हो, लेकिन तूने बहू का सोचा है? अरे आज भी बिना बताए वो घर का सारा काम करती, लेकिन तेरे गुस्से के कारण उसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे बेटे को अपनी बीवी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा नहीं है माँ, वो मैं बस थोड़ा चिढ़ गया था। अरे बहू की बात सुन के उसके दर्द को कम करना चाहिए था, ना कि उस पे गुस्सा करके अपना मूड खराब करके उस पे चिल्लाना चाहिए था। सरला की बातें सुनकर अमन को उसकी गलती का पछतावा होता है, साथ ही साथ शर्म से उसका सर भी झुक जाता है। वो इन बातों को जानते बूझते भी अपनी पत्नी के दर्द को समझ नहीं पाया। अमन वहाँ से बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है और कुछ ही समय के बाद हाथों में कुछ लेकर घर आता है और कहता है, शालिनी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये पीरियड पेन पैचेस लाया हूँ, जिसे लगाकर तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। और हाँ तुम आराम करो, इसमें इसे यूज करने का सारा मेथड लिखा है, तुम एक बार पढ़ लेना। अमन को अपनी गलती को सुधारता हुआ देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश होते हैं, साथ ही पीरियड्स पेन पैचेस को इस्तेमाल करके शालिनी का दर्द भी बहुत कम हो जाता है। और ऐसे ही जब शालिनी के पीरियड्स चलते हैं, सरला और अमन शालिनी का बहुत ध्यान रखते हैं और फिर वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रिया अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रही होती है कि तभी उसकी माँ जानकी उसको आवाज मारते हुए कहती है, रिया बेटा उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं, जल्दी से नाश्ता कर और बाजार से कुछ सामान ले आ, फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश का नाम सुनते ही रिया झट से आंखें खोलती है और फिर कहती है, बारिश होने वाली है तो फिर होने दो, आपको पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। हाँ पता है, तभी कह रही हूँ उठ के नाश्ता कर ले ताकि तू बाजार से सामान ले आए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू सोती रह जाए और बारिश आके भी चली जाए। अरे माँ कैसी बातें करती हो, बारिश मुझे बिना भिगोए चली जाए इट्स इम्पॉसिबल, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, आप जल्दी से नाश्ता लगा दो। प्रिया जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाती है और चाय पीते हुए अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ जल्दी से सामान की लिस्ट दे दो मैं लेकर आती हूँ। प्रिया अपना नाश्ता खत्म करती है और उसकी माँ उसको लिस्ट दे देती है, जिसके बाद वो बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। घर से कुछ ही दूर चलने पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देखकर रिया बोलती है, अरे वाह मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी तुमको, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तो बाहर आई हूँ मेरी जान। रिया के इतने कहने भर की बाद ही मिनटों में बारिश बंद हो जाती है, जिसको देखकर वो सोचती है, ओए रुक क्यों गए, यू नो ना
लव यू सो मच। मुझसे शर्मा रहे हो? ज्यादा मत शर्माओ, चलो बरसो, और इतना बरसो, इतना बरसो कि मजा ही आ जाए बस बरसने का और भीगने का। और अगर नहीं बरसे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। प्रिया की ये बातें उसके पीछे खड़ा हुआ रोनी नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का सुन रहा होता है और उसको यूँ बादलों से बातें करता हुआ देखकर वो कहता है, तुम बादलों से बातें कर रही हो? अरे पागल हो क्या? ओ मिस्टर व्हाटएवर, तुम जो भी हो, तुमसे मतलब? मतलब तो है, पता है क्या, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे। ओ हेलो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ मोहतरमा कि इस बारिश के मौसम में आप जैसी हसीना से मुलाकात और पहली नजर वाला प्यार हो गया है हमें। ओ हेलो, तुम जो ये नैनो के बाण चला रहे हो ना, ये मुझ पर काम नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम कहीं और ट्राई करो। प्रिया इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि उसको जाता देख रोनी बोलता है, ओ मैडम, कल तुम्हारा लाइट हाउस पर इंतजार करूँगा। अगर इस पहली मुलाकात ने कुछ असर डाला होगा तुम पर तो तुम जरूर आओगी। प्रिया बिना मुड़े मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँच कर वो उसी के ख्यालों में खोई रहती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या सच में कहीं मुझे भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? जब से घर आई हूँ उसके ख्यालों में ही खोई हूँ, दिल कहीं लग नहीं रहा और दिमाग से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा, क्या करूँ? प्रिया के मन में भी रोनी के लिए प्यार था, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर उससे मिलने लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है जोरों से बारिश होती है और वो खुशी से बोलती है, हाँ हाँ तुम तो खुश हो गए, तुम्हें तो पता है। इतना कहकर रिया लाइट हाउस पहुँचती है और ऊपर खड़े होकर रोनी को ना देखकर वो एक बार फिर बादलों से कहती है, अरे यहाँ क्यों बरस रहे हो? थोड़ा उस पागल के घर पर भी तो बरसो, ताकि उसको पता चले कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आज यहाँ नहीं आया ना तो मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी, कह देना उससे। प्रिया इतना कहकर पीछे मुड़ती ही है कि उसको अपने पीछे रोनी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि उससे पहले वहाँ पर आ चुका था और एक बार फिर से उसकी बातें सुनकर हंसता हुआ वो बोलता है, तुमने बादलों से बात करने में पीएचडी करी हुई है क्या? जब मिलती हो बारिश और बादलों से बातें करती मिलती हो। और तुमने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी बातें सुनने की पीएचडी करी है, है ना? जब भी मिलते हो पीछे खड़े हो जाते हो आकर। एक दूसरे की इस खट्टी मीठी नोकझोंक पर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते हैं और बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं। साथ ही साथ बारिश भी उनके साथ बरस रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद अक्सर दोनों जब भी मिलते तो बारिश होना लाजमी ही हो जाता। ऐसे ही एक शाम रिया रोनी से मिलकर वापस घर जा रही होती है, तब उसको रास्ते में उसी के एरिया का जाना माना गुंडा जोजो मिलता है, जो कि अक्सर उसका रास्ता रोकता था। और उस दिन रिया को रोक कर वो उससे बोलता है, अरे रिया डार्लिंग, कहाँ से आ रही हो? अरे गजब की खूबसूरत लग रही हो आज तो। तुम फिर आ गए, हर बार बेइज्जती करवा कर तुम्हारा मन नहीं भरता। अरे मेरी जान, तुम्हारे मुंह से बेइज्जती भी ना तारीफ लगती है, और होने वाली बीवी की बातों का क्या बुरा मानना। होने वाली बीवी, और वो भी तुम्हारी? अरे खुली आंखों से सपने देख रहे हो क्या? जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसको तुम्हारी ये हरकत पता चली ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अरे शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, फिर चाहे मुझे तुझे मंडप से उठाना पड़े या फिर तेरे आशिक को मौत के घाट उतारना पड़े, पीछे नहीं हटेगा ये जोजो, देख लेना जाने मन। जोजो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रिया उसकी इन धमकियों से नजरअंदाज करके अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया अपनी माँ को रोनी और अपने बारे में सब बता देती है, साथ ही ये भी बताती है कि रोनी का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, कैसे खुश रहेगी तू उसके साथ? माँ, उसके पास अपना कहने के लिए मैं हूँ ना, वो मुझ पर जान छिड़कता है, मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकता है। वरना आप उस गुंडे जोजो को तो जानती हो ना, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। पर बेटी, वो जोजो ऐसा नहीं होने देगा,
तूने सुनी थी ना उसकी धमकी। माँ, उस जोजो की ये कीदर वाली धमकियाँ ना मेरा और रोनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मुझे रोनी पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। प्रिया की बातें सुनकर उसकी माँ उनके रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी का दिन आता है, जहाँ रिया दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, तो वहीं रोनी भी शेरवानी में जच रहा होता है। जिस जगह दोनों की शादी हो रही होती है वहाँ जोर जोर से झमाझम बारिश होने लगती है, जिसे देखकर रिया बहुत खुश होती है और रोनी उसे देखकर कहता है, तो मैडम इस बारिश को बोल देते हैं ना कि अब आपको हमसे प्यार है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। ना जी ना, मेरा पहला प्यार तो बारिश ही है, तुम तो दूसरे ही हो। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर भगवान मेरा यार हंस रहा है तो बारिश तो होनी ही चाहिए। रोनी इतना कहता है और जोर से बादल गरजते हैं, साथ ही छम छम बारिश होने लगती है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है। रोनी को रिया का हाथ पकड़े हुए देखकर वो गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है, अरे ओ बावली पूछ, छोड़ दे रिया को, इसकी शादी मेर से होगी, मेर से, समझा। जोजो को वहाँ देखकर रिया सारी बातें रोनी को बता देती है, जिसके बाद रिया को पीछे करके रोनी जोजो के बिल्कुल सामने आकर उससे बोलता है, सुनो दो कोड़ी के सड़क छाप गुंडे, रिया मेरा प्यार है और मेरी जिंदगी है, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो तुझमें इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। क्यों बे, खुद को कहीं का हीरो समझता है क्या? बड़ी हीरो पंती छा रही है, जो सारी की सारी यही निकाल दूंगा। क्या करूं यार, तुमको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। रुक, तेरी सारी हीरोगिरी अभी निकालता हूँ। इस सब के बाद जोजो और रोनी में हाथापाई हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। जब तक रोनी जोजो को मार मार कर अधमरा कर देता है, तभी पुलिस आती है, जिसे देखकर रिया कहती है, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस जोजो को, इसने बहुत टाइम से मेरा जीना हराम कर रखा है, ऊपर से आज मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी रोकने आ गया, मेरे पति पर हमला कर दिया इसने। आप चिंता मत करो मैडम, इसको तो वैसे ही हम कब से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ लगा है, अब लंबे टाइम के लिए जाएगा अंदर ये। पुलिस जोजो को अपने साथ ले जाती है और रिया भाग कर रोनी को गले लगा लेती है और फिर बारिश में ही दोनों की एक बार फिर धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी की खुशी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।